तो ये क्या हुआ है अपना, ये देखो मूसा भी कहाँ से है। अंकल ये ट्रैफिक से जल्दी निकालने की डोरी बस आपके हाथ में है मेरी, बस चलते रहना। आप जहाँ से निकालोगे मैं भी वहीं से निकालूंगा। तो टहल रहे हैं अब, इतना अच्छा आ रहा है। वाह वाह वाह, एक आधे को आगे बैठा के लेके जाना पड़ेगा मुझे अब। तो ये क्या हुआ है अपना, ये देखो घुसा भी कहाँ से है। मैंने बोला था ना बड़ा होगा। नहीं ये 45 में, ये नहीं घुसा है, साइड में घुसा है। चल आप टेंशन ले। ये तो शार्प भी नहीं है, घुसा कैसे? घुस ही जाएगा ना रजत, इतना स्पीड होए। तो यहाँ ये पुष्पा के फैन हो रखे हैं तीनों। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिर। तो सुबह सुबह अपने बस ब्रेकफास्ट के लेने निकले, तो आपने वो क्लिप देख ही ली होगी कि सुबह सुबह अपने साथ क्या कांड हुआ। एक्चुअली कांड तो अपने को द्वारका से निकलते ही पेट्रोल पंप पे मिल गया था, पता लग गया था कि हाँ भाई ये कांड हो चुका है। द्वारका से निकलते जो पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल फिलिंग करने रुके थे, वहीं पर ही देख लिया था कि कांड हो चुका है। टायर में इतनी बड़ी मस्त कील घुस गई थी, दिखाई थी वैसे मैंने क्लिप में। तो अभी बस सुबह देखा था, हवा नहीं थी तो पंचर दूसरी जगह था, तो सब पैक हो गया है। सो ये है आर्यन, इसने अपनी बहुत हेल्प करी गिर में। ये उसका दोस्त, क्या नाम है तेरा? तौफिक। तो उसका नाम तौफिक है, और इस प्राणी को तो आप जानते ही हो। सो लेट हो गए, सोचा था कि वैसे रात ही सोच के सोए थे कि भाई आराम से उठेंगे, आराम से जाएंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि बस सीधे बड़ौदा ही जाना है। तो बस अब वैसे कह सकते हैं कि हाँ हम कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हैं। सो इट्स 12:20, अभी निकलते निकलते 12:45 हो ही जाएगा। सो बस निकलते हैं यहाँ से बड़ौदा के लिए। तो मिलता हूँ आप लोगों को बाइक के ऊपर, बाकी चीजें बाइक पर बताता हूँ। सॉल सेट, निकल रहे, बोला ही था लेट होगा। तो निकलते निकलते 1 बज गया, अभी एग्जैक्टली 1 ही बजा है। ये क्या कर रहे हो, क्यों? सो हम लोग पहले यहाँ से जाएंगे चोटीला। चोटीला इज 200 किलोमीटर। एक्चुअली क्या है कि अपने जो डायरेक्ट भी दूसरे रास्ते से निकल सकते थे, बट वहाँ क्या है वो थोड़ा नैरो रोड है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे कैसा रहेगा, अपना सिंगल पट्टी रहेगा, तो वहाँ पे बहुत टाइम जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा किलोमीटर लग रहा है, बट ऑलमोस्ट टाइम 10 मिनट का ही फर्क है, लेकिन वो 10 मिनट से ज़्यादा अपने हाईवे पर कवर अप कर सकते हैं। तो पहले चोटीला, चोटीला से फिर अपना सीधा बड़ौदा। हमने स्टार्ट ही लेट किया, इतना लेट 1 बजे, सोच हम कितने बड़े आलसी है। अगर हमने 1 बजे स्टार्ट किया इसका मतलब अपने पहुंचेंगे कम से कम रात को 8:30-9 बजे। अभी देखते हैं स्टॉपेज, अब अगर अपने नहीं लेंगे, कोई इशू नहीं आया तो जल्दी भी पहुंच सकते हैं। देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठी है क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं क्या, ज्यादा कुछ खास नहीं, बस यही गिरनार। हम लोग कल यहाँ पे आने वाले थे, गिरनार मतलब एक्चुअली सौराष्ट्र बोलते हैं यहाँ का, सौराष्ट्र का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो गिरनार है। आई थिंक आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मेरे को भी अभी शायद नहीं दिख रहा, पीछे से थोड़ा सा दिखा, वो जो सामने वाला माउंटेन है वो आई थिंक वही है, वहाँ टेम्पल है। तो यहाँ पे अपने आने वाले थे बट नहीं आए थे, कह सकते हो प्लान चेंज किया था, सोचा था कुछ और करने का इस वजह से। तो आई थिंक ये प्लेस का नाम है जूनागढ़, मतलब जूनागढ़, अपने जूनागढ़ से निकलने वाले थे लेकिन ये पता नहीं ये जूनागढ़ ही है क्या, बट आई थिंक ये जूनागढ़ ही है। अरे भैया रोक,
तो यस ये जूनागढ़ ही है। और ये गूगल आंटी पता नहीं अपने को कहाँ से निकाल रही है यार, जबकि मैंने डाल तो कार मोड ही रखा है, मतलब कार तो यहाँ से भी जा ही सकते, लेकिन हाँ मतलब इतना रश में से क्यों निकालने का मार्केट में से यार। वाह क्या मस्त रोड है, मजा ही आ गया। तो ये हम लोग कोई तो सिटी है उसको बाईपास कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी है। बट सीरियसली बहुत मस्त है यार, ऐसा रास्ता बरोड़ा तक होता अब भी पहुंचे है थोड़े ही टाइम में। तो अपने हैं राजकोट से थोड़ा सा पहले, तो हम लोग यहाँ से राजकोट बाईपास करने वाले हैं। आगे से रास्ता राइट की तरफ जाएगा जो कि राजकोट को बाईपास करते हुए जाएगा। अभी तक तो सारा रास्ता अच्छा ही था, तो सॉरी राजकोट अभी भी यहाँ से 9 किलोमीटर है। हो सकता है सेंटर जो है वो राजकोट का जो है वो 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हो कह सकता वही है। हमें भी 3 किलोमीटर बाद आगे से एक डाइवर्जन लेकर के राइट चले जाना है, नहीं तो सीधे जाएंगे तो घुस जाएंगे राजकोट के अंदर, जो कि कारनामा नहीं करने का है अपने को। तो टाइम हो गया है 5:06, यहाँ से बड़ौदा रह गया 200 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट हमने 240 किलोमीटर कवर कर लिया है यहाँ। अभी रोड अच्छा है, थोड़ी देर पहले तक खराब था, अंदर से निकले थोड़ा अराउंड 30 किलोमीटर से अच्छा था रोड। खुजाट हो रिया, बता क्या करूं। तो बस अब आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। गूगल के हिसाब से तो अभी 4.25 घंटे और लगने वाले हैं, देखते हैं मालिक कितनी देर में अपने पहुंचते हैं। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी बड़ौदा पहुंचने को अपने को कम से कम 4.25 घंटे, गूगल आंटी दिखा रही है कि 4.25 घंटे आपको लगेंगे। अब क्या टाइम लगेगा कितना लगेगा वो तो कह नहीं सकते, वो तो अभी रास्ते में ही पता लगेगा। ऐसा रास्ता रहा तो जल्दी कवर हो जाएगा। फर्स्ट व्लॉग आपने देखा हो, जब अपने द्वारका जा रहे थे तो इसी रास्ते से अपने आए थे। तो आगे वाली चौकड़ी पे जाम लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से, उधर ब्रिज का आई थिंक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस चौकड़ी का नाम है जासदान अहमदाबाद, मतलब ये जासदान प्लेस है, मस्त नाम है जासदान। जासदान ऐसा लगता है दास्ताने, ऐसे लग रहा है जासदान। चलो 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 चलिए अंकल जी। अंकल के पीछे चलने का फायदा भी था, अंकल ने तुरंत रास्ता बना लिया देखते ही, और उनके पीछे मैंने। चलते रहो बस, चलते रहो बस, चलते रहो बस, चलते रहो। अंकल ये ट्रैफिक से जल्दी निकालने की डोरी बस आपके हाथ में है मेरी, बस चलते रहना आप। आप जहाँ से निकालोगे मैं भी वहीं से निकालूंगा। तो वैसे थोड़ा सा ही है जितना आपको रेड दिख रहा है, शर्म नहीं है इन्हें, खाएंगे और यहीं थूकेंगे। चलो बिकना ही बंद हो जाना चाहिए ये गुटखा पुटका। चलो अंकल निकल सकती है, गाड़ी को साइड में कर दो हाथ से, ये टहल रहे हैं अब इतना अच्छा। अरे अरे वाह वाह वाह, एक आधे को आगे बैठा के लेके जाना पड़ेगा मुझे अब। यहीं से किसी को बैठा के ले जाऊँ आगे को, तो इतने बीच में ही खड़े रहे हटते भी ना। चलो गाइस ट्रैफिक से बाहर निकल के मिलता हूँ आप लोगों से।
सो अपने ने ले लिया है यहाँ से राइट, अभी जो पीछे चौकड़ी थी जिस चौकड़ी की मैं आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ से वडोदरा रह गया है 125 किलोमीटर। अभी के सिचुएशन के हिसाब से बोलूँ तो मुझे तो मस्त लग रहा है। ये जो वासद है 101, यहाँ तक हमें इसको फॉलो करना, उसके बाद NH 48 में मर्ज हो जाएगा और वहाँ से NH 48 से सीधे बड़ोड़ा। NH 48 तो आपको पता ही है। तो अभी पीछे एक पेट्रोल पंप गया, भाई को रुकना था क्योंकि भाई को वॉशरूम जाने का है, लेकिन इतनी स्पीड में थे कि भाई को पेट्रोल पंप भी नहीं दिखा। फिर बाद में बोलता माई मिस्टेक। सो चलिए निकला जाए। सो जस्ट 107 किलोमीटर बड़ोड़ा बचा है। सो अंधेरा हो चुका है तो थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल में रखेंगे, जितना विजन क्लियर रहेगा उतनी ही स्पीड रखेंगे। जहाँ थोड़ा सा अप एंड डाउन लगा वहाँ स्लो डाउन कर लेंगे। ये हाईवे वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बट अभी देखा अपने ने, मतलब ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी ब्रिजेस हैं ना वो इनकम्प्लीट है। मतलब अभी फोर्थ ब्रिज था जो अपने ने नीचे से क्रॉस किया, डाइवर्जन दे रखा था। ओवरऑल मस्त है ये हाईवे, दिन में तो यहाँ मस्त मज़ा आए, ऐसा नहीं है कि रात में मज़ा नहीं आ रही, बट दिन में क्या है विजन ज़्यादा अच्छा रहे तो पता रहे। तो अभी मैंने और हेमर्त ने डिसाइड किया है कि हम दोनों एक साथ चलेंगे 2 bikers की फॉर्मेशन में, जिससे क्या थोड़ा विजन अपने को ज़्यादा रहे। तो यू कैन सी तो खुशी बर्बाद बोले तो जितने भी अपने खुश हो रहे थे हाईवे पे आके इस वाले के मस्त है ऐसा वैसा, तो अभी काम पूरा हुआ नहीं है इस वजह से बीच बीच में डाइवर्जन करके दोनों को एक ही साइड मर्ज कर दिया है। ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा, उधर काम चल ही रहा है देखो अभी भी। कोई बात नहीं, 65 किलोमीटर ही जाना है, उसके बाद वो 62 से हम NH 48 पकड़ लेंगे तो पंगा ही ख़त्म। दूसरे अंदर वाले रास्तों से तो बहुत बेटर है, वो तो बिल्कुल गांव वाले रास्ते होते, गांव वाले नहीं मतलब हाँ, लेकिन अपन नहीं होते अपने वहाँ पे 60-65-70 मेंटेन कर पाते हैं। फिर बीच बीच में स्लो भी करना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक गांव का रूरल एरिया भी स्टार्ट हो जाता है। मजा आ गया यार, अब तो कभी भी इस साइड का ही जाना होगा ना तो यही वाला हाईवे पकड़ेंगे। वैसे रात में चलाने में मजा आता है क्योंकि वेदर बड़ा सही रहता है ना, ना गर्मी ना ठंड, मतलब ठंड में तो ठंड ज्यादा होती है बट उसके लिए आप ज्यादा चीजें पहन सकते हो। तो वही हर बार की तरह वही हुआ, GoPro हैंग हो गया। तो बड़ोड़ा रह गया यहाँ से 20 किलोमीटर। तभी हम ये देख रहे थे कि हम दोनों ने एक ही स्पीड पे चलाया, एक ही टाइम पेट्रोल फुल करा, लेकिन ऐसा हो रहा था कि कभी उसके में 2 पॉइंट जा रहे थे कभी मेरे में एक। तब देखते दोनों एक साथ ऑन करके देखते क्या पॉइंट्स आते हैं कितने पेट्रोल गए। चलो मालिक 1 2 3 मालिक 2 हाँ अब परफेक्ट है। अगर हम करें तो प्रिसाइजली हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। ठीक तो बस ये लास्ट स्ट्रेच बचा है बड़ोड़ा तक का। तो अभी हम जहाँ पे रुके हुए थे वो था वासद टोल। सो अपने को हार्डली घर पहुँचने में लगेंगे जस्ट 10 to 15 minutes, 10 तो नहीं लेकिन 15 मिनट जरूर लगेगा। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय एंड गुड नाइट। खुद खुद गलत आ रहा कर रहा है खामो खा के।
चलो यार स्कूटर वाले अंकल भी हो जाएगा, गांव का रूरल एरिया भी स्टार्ट। अभी बच गए अपने